ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हमीरपुर में जून महीने की 22 से 25 तारीख तक प्रदेश के विभिन्न खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के लिए ओलंपिक्स गेम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकली ओलंपिक मशाल रन सुंदरनगर पहुंची। भारी बारिश के बीच ओलंपिक मशाल जवाहर पार्क पहुंचने पर ओलंपिक एसोसिएशन मंडी के जिला प्रभारी अजय राणा द्वारा मशाल का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए और उन्हें खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए भारी बारिश के बीच जवाहर पार्क से MLSM कॉलेज सुंदरनगर के खेल मैदान तक मशाल के साथ एक रैली निकाली गई। भारी बारिश के बीच मशाल जलती रही और युवाओं में जोश बढ़ता रहा। वहीं रैली में स्थानीय स्कूलों के बच्चों, युवाओं व स्थानीय करीब 1000 लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। MLSM कॉलेज में रैली का समापन मंडी ओलंपिक एसोसिएशन के प्रभारी व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने किया। वहीं मशाल यात्रा के दौरान खेल मैदान उपस्थित बच्चों और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ओलंपिक एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की और कहा कि जो मुहिम खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए चलाई गई है उसमें युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। राणा ने बताया कि हमीरपुर में होने वाली ओलंपिक्स गेम में जहां प्रदेश भर के 1500 खिलाड़ी भाग लेंगे, वहीं मंडी जिला से भी विभिन्न वर्गों से खिलाड़ी ओलंपिक्स में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खेलों का एक विशाल मेला लगा हुआ है। इस मेले के माध्यम से खेलेगा युवा और जीतेगा हिमाचल, इसी नारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। वहीं उन्होंने सभी खेलों के खिलाड़ियों से आह्वान किया कि ओलंपिक्स में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम खेलों को आगे बढ़ा सकेंगे। युवाओं की यही पार्टिसिपेशन है मित्रों, हिमाचल का युवा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, हम प्रयासरत हैं। इसके लिए स्पोर्ट्स हमने रखी है टॉप की 11, जो हमारी टीम्स है, टीम्स का कंपटीशन हुआ होगा हमीरपुर में, इस टॉर्च का समापन हुआ होगा, उस समापन के बाद वहाँ मैचेस होंगे कबड्डी के, हॉकी के और सबको खो खो के, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। बहुत बड़ा मेला हिमाचल प्रदेश में लगा है, खेलेगा युवा जीतेगा हिमाचल, ओलंपिक में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में हम आगे। वहीं रैली के दौरान सबसे अच्छा अनुशासन रखने वाले महावीर पब्लिक स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।